हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने सोचा आधी रात को बाहर निकलते हैं और करते हैं एक लेट नाइट व्लॉगिंग, ठीक है। बिकॉज क्या है कि जगह ना बहुत प्यारी है, तुम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, और हमें लगा कि ये सब चीज़ें अपन करके तुम लोगों को दिखा देंगे तो तुम लोगों का थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और एक बहुत ही बेहतरीन जगह, इतना बजटेड चीज़ मिल गई हमको, मतलब मुझे नहीं पता था यार कि फैंस बोलना नहीं अच्छा लगेगा, तो मुझे नहीं पता था कि इतने प्यार करने वाले बंदे मेरे नैनीताल में रहते हैं। मतलब इतनी बेहतरीन चीज़ हुई ना मेरे साथ, मैं बाहर घूम रहा था मैं और पवन, तो घूमते घूमते हम ना सोच रहे थे यार स्टे करें नहीं करें, क्या चक्कर है। तो फिर क्या होता है कि एक बंदा आता है मेरे पास, बोलता है सर मैं बहुत आपके वीडियोस देखता हूँ, और अभी रिसेंट वीडियो पवन सर का वैकिंग वाला डाला है ना आखिरत पे। तो मैंने कहा हाँ यार, तो मैंने कहा आप इतना ज़्यादा फॉलो करते हो हमको? कह रहा नहीं, मेरे को आप लोगों का डांस स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ये वो, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहीं और रुकोगे। तो उस बंदे ने हमको अपना पूरा एक फ्लोर दे दिया रहने के लिए यार, इतना इधर आजा भाई मर जाएंगे, उसने अपना पूरा फ्लोर दे दिया हमको कि यार भाई सर आप रुको यहाँ पर, आप यहाँ पर पहली बार आए हो या जो भी सीन है, तो आप यहाँ पर रुको और आप मेरे घर पे रुकोगे, और ऐसा सीन है। उसने अपना पूरा फ्लोर दे दिया, मुझे मज़ा आ गया यार। एंड इसी के साथ हम बहुत वो हैं, बट हाँ उसको थोड़ा हेल्प तो करना ही है फॉर श्योर। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, और आपको भी ना बहुत ही बजटेड अमाउंट में पूरा फ्लोर मिल सकता है उसके पास, है ना, सही बोल रहे ना। और उस बंदे को तो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि उसको ना यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर दूर उसका लेट नाइट वो कुछ मैगी पॉइंट का कुछ काम करता है, तो उसको निकलना था तो मैं बात नहीं हो पाया, और कल मॉर्निंग में अगर वो जल्दी आ जाता तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज। पर ठीक है, जो भी है वो सब चीज़ें ठीक है। मुझे पता था तुम लोगों को वापस तो आना ही है क्योंकि तुम लोग देखना चाहते हो कि अब तुम्हारा भाई क्या करेगा। कितने भी व्लॉग देख लो जाके, कितना भी कुछ भी देख लो, पर एंड में तुमको आना है, एंड में तुमको आना है और देखना है कि तुम्हारा भाई अब क्या डालने वाला है, क्योंकि तुम तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर बाहर निकले, आपको जगह पूरा फ्लैश दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पर होता है, और उसके बाद अपन थोड़ा सा खाना लेंगे, फिर खाना खाएंगे, अभी सो जाएंगे, देखते हैं अभी व्लॉग में और क्या क्या हो सकता है। चलो हमारा भाई आ गया बेहतरीन कॉफ़ी पी, और भाई मार रहा है ठंड में फ्रूटी, नाम बता दिया करण, क्या करता तू भाई? बनाते हैं बहुत ही गर्मा गर्म कॉफ़ी, तो ओए ओए फोन जाता, 30 रुपये में बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी देता है भाई, और मैं जा रहा हूँ पीने के लिए। हमारा भाई दिखाता कॉफ़ी कैसे गर्म गर्म बन रही है, चलो एक डिक्की डांस देखो फ्री में। चले गाना चेंज करो, ऐसे बनने दे, यही तो है नेपाली है ना गाना, नेपाली गाना बज रहा है यहाँ पर बहुत बेहतरीन, पवन का फ्री स्टाइल देखो। ए ए ए कॉफी पियो आके, और फ्री में डांस भी देखो। अबे ताली तुली तो बजा दे, तेरी हो तेरी। स्टाइल कौन सा है? फॉलो फॉर वैकिंग क्लासेस आकर डांस सेंटर पवन पंथी राइट हेयर, लेट्स गो। भूख लगी है, ओ भूख लगी है पवन क्या खाएगा, जो मिल जाएगा मिल जाने को तो लेने मिलेंगे, क्या लेना खाएगा, भूख लगी है बहुत महंगा खाना, कोई नहीं गाइस। अच्छा गाइस मैं एक चीज़ और बोलने वाला था यार, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे में चंडीगढ़ आ जाऊँ, तो अगर कोई अपना भाई है जो भाई को घुमा सकता है तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। चलो ठंड बहुत ज़्यादा है, और सामने मुझे बार दिखाई दे रहा है, पर तुम्हारा भाई दारू नहीं पीता, पवन पीता है, ठीक है। क्या कह रहा पवन, यहाँ पर मिल जाएगा कुछ?
चलो गाइस हम दूर से आते हैं, बाय। तुम्हें भी भाई ये बहुत गरीब, तो हम ढूंढ रहे हैं सस्ता और अच्छा खाना, ठीक है, क्योंकि हम मैं आलू प्याज के लिए अगर तुम सोचो कि मैं 70-80 रुपए दे दूंगा तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, एक रत्ती भी मतलब नहीं है पवन, नहीं कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है 70-80 रुपए का एक साले, मैं आलू ला के एक महीना खाऊं। हाँ भैया रूम, हाँ। रूम तो ले लिया यार मैंने, घर ही खरीद लिया यार, अब क्या करूँ बताओ। क्या कह रहा हूँ, उधर लस्सी वस्सी है। तो गाइस इस तरीके के मार्केट भी है, जैसे आपको रात बिरात कुछ खाना हो। अंकल जी पराठे मिल जाएंगे, पराठे होंगे क्या, आलू पराठा तंदूर तो नहीं है ना ये, तंदूर अरे नहीं वैसे नहीं बनेंगे क्या, सेक के तेल लगा के क्या करूँ भाई। तुम्हारे भाई के ना सर में हो रहा है बहुत भयंकर दर्द, तो वैसे मैं सर दर्द की दवाई खाना पसंद नहीं करता, बट बहुत हैवी हो गया ना तो लेना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे से ना कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा ना ये साइड राइट साइड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तो मुझे नहीं पता बट ठीक है मतलब ले रहा हूँ आज के लिए, तो दवाई ले रहा हूँ। चलो गाइस और दिखाता हूँ तुमको क्या क्या है। ओए भाई साहब ऐसी ढलान सी हो रही है ना, देखो फुल पावर तुम्हारा भाई चले जा रहा है, ब्लर क्यों हो जा रहा भाई, चल लाइट कम है, हाई क्वालिटी वीडियो है ब्लर तो करेगा ही, बट ठीक है गाइस चलो दवाई मैंने ले ली है अभी आता हूँ। और यहाँ आंटी एक बैठी है और ये ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में लगा हुआ है, ठीक है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में लगा हुआ है, चल एक ही काम आता है इस पर। ये नॉन वेज है ना, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। तू खाता है? नहीं मैं भी नहीं खाता, नहीं तू तो तू 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 तो नॉन मतलब नॉन वेज ना, ऐसा नहीं है जो लोग खाते हैं उनके लिए बढ़िया है, बट मैं किसी को मारना पसंद नहीं करता यहाँ पे, मैं थोड़ा सा मेरे से महक भी बर्दाश्त नहीं हो रही, सो मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ बैठ के कोई खाता है तो सही है, बट वैसे तुम्हारा भाई खाना पसंद नहीं करता। पवन वहाँ ऊपर हमारा एक ट्री हाउस होगा, ठीक है, तो पवन ने खरीदा था लेडीज टोपा, क्योंकि पवन को ठंड में कुछ और समझ में नहीं आया, पवन कह रहा भाई ठंड लग रही है यही पहन लूँगा फट से, ठीक है। पराठे हमने ले लिए हैं कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाके, अब हम जाएंगे इनको पेलेंगे, मैं फिर तुमको अपनी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर उसने हमको दिया है रहने के लिए। ठंडी तो है करना, ठंडी तो बहुत है भाई। ए रुक रुक रुक, क्यों सर, क्योंकि ये प्याजू का तेरे फुल कटिंग कराया है चुल में हर दुल में, ए ए ए ये तो लड़ जाएगा रे, ये दीवार में लड़ के काड़ा कर देगा रे। अबे अरे ये तो तुझको काड़ा कर दिया, तू तो दीवार में लड़ जाएगा रे, पकड़ 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 पकड़। मतलब क्या गाना बनाते हो भाई, तेरे मतलब क्या? में केला मिलेगा भाई, केला कैसे मिलेगा? मतलब क्या तुम्हारे अब्बू वो करते हैं क्या बोलते हैं फ्रूट सैलेड बेचते हैं, लुंगी में केला लेके घूमते हैं, मतलब अब्बू को पता चलेगा, इतना 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 सूतेंगे ना अब्बू, मतलब अब्बू फिर तुम अब्बू की ना कुछ चीज़ों से बच नहीं पाओगे, तो इसलिए ऐसे गाने मत बताओ यार, मतलब तुम बनाओ गाने एक दूसरे को गाली दो खूब करो, किसी के अब्बू अब्बू को मत घसीटो यार। लुंगी में केला कहाँ मिला पवन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो बच्चे के, ये बच्चे के सर, तो जिन्हें मेरा दिल लुटिया कर ये पहन के सुन, ये ले ले जिन्हें मेरा दिल लुटिया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया लगेगा, अगर ये भाई थोड़ा भी, ये थोड़ा रीजनेबल कर दो तो कितने का दोगे, ये वाली टोपी, हाँ अरे मेरे टोपी को पता लग रहा है, नहीं आप तो बहुत तगड़े लग रहे, नहीं लगेगा अभी बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा लगा ये है उस भाई की गली, तो हम लोग आ गए हैं उस गली में, सो ये हमारे भाई का घर है और ये नीचे वाला फ्लोर पूरा अपना का अपना है, तो चलो नीचे वाला फ्लोर दिखा देता हूँ सबसे पहले तुमको, अरे किधर को खुलेगा दोस्त, चलो चलो
पता है क्या करना है, तुमको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और फैला देना है पूरा। बाकी हम लोग घर के अंदर शांति से गर्मी के अंदर बैठ गए हैं वापस। बाहर बहुत हालत खराब हो गई, मतलब बहुत बहुत ठंड हो रही थी। तुम लोगों को पता है सब कुछ क्या करना है, सारा ड्रिल तुम लोग ऑलरेडी जानते हो यार, खेले हुए बंदे हो तुम लोग। अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊँगा, तब तक के लिए इसको शेयर कर दो सारे फ्रेंड्स को, फैला दो सबको। ये रात का एक छोटा सा हॉल था जो हमें करना ही था। ऑब्वियसली तुमको पता चले कि रात में अगर तुम बाई चांस यहाँ पर कुछ खाना खाना चाहते हो तो तुम्हें सस्ता क्या मिलेगा। चिकन मैं नहीं खाता पर मैंने तुम्हें दिखा दिया सब कुछ, तो तुम लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से ऑर्डर कर सकते हो, खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पवन की तरह लड़कियों से बात मत करना, ठीक है? और कुछ नहीं चाहिए। पीस आउट।